आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी का दूध वाला हलवा। इसे सूजी का गुठली वाला हलवा भी कहते हैं और इसका टेस्ट एकदम अमेजिंग होता है। तो एक बार आपने इस तरह से सूजी का दूध वाला हलवा बना लिया तो आप मूंग के दाल का हलवे का स्वाद भी भूल जाएंगे। ये इतना ज्यादा टेस्टी लगता है। तो एक बाउल में मैंने एक कप सूजी ले ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप दूध। तो इसमें रेशियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 1 कप सूजी में आप 1.5 कप दूध का यूज़ करें और ये वही दूध है जो बॉयल करके ठंडा कर लेते हैं। मैंने इसमें वही दूध ऐड किया है और सूजी को इसमें भुनना एकदम नहीं है। यहाँ पे मैंने कच्ची सूजी का ही यूज़ किया है, पहले से भून के नहीं रखना है। तो अब यहाँ पे मैंने थोड़े से केसर के धागे ले लिए हैं। अब उसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे और केसर इसमें ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप ऐड करें, ना हो तो आप सिंपली लेके इसको स्किप कर सकते हैं। तो अब हम इसे ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए, जिससे सूजी अच्छे से इसमें फूल जाए दूध में। ये देखिए 15 मिनट हो चुका है, सूजी ने कैसे दूध को एब्जॉर्व कर लिया है। देखिए इसका टेक्स्चर ऐसा हो गया है। तो अब गैस पे मैं कढ़ाई रख दूंगी और यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई का यूज़ किया है। तो यहाँ पे टोटल मैंने 1/2 कप घी ली है। तो यहाँ पे मैं बैचेस में घी का यूज़ करूँगी। तो अभी मैंने 1/4 कप घी इसमें ऐड कर ली है, बाकी घी मैं थोड़ा थोड़ी देर पे इसमें ऐड करूँगी। अब ये सूजी और दूध का मिश्रण भी इसमें ऐड कर लेंगे और इसके बाद इसे हम भून लेंगे, लगातार चलाते हुए इसे भूने। तो अभी आपको लग रहा होगा कि घी बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये सूजी सारे घी को एब्जॉर्ब कर लेगी 5-6 मिनट में। फ्लेम एकदम लो रहेगी और इसे लगातार हम चलाते रहेंगे। इसे चलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एक भी मिनट के लिए हमें इसे छोड़ना नहीं है, लगातार इसे चलाते रहना है। पूरी रेसिपी लो टू मीडियम फ्लेम पे ही बनेगी और इसे लगातार चलाते रहना है, तभी आपको रिजल्ट एकदम परफेक्ट मिलेगा। ये देखिए 5 मिनट में कैसे सूजी ने सारे घी को एब्जॉर्ब कर लिया है और इसका टेक्सचर कुछ कुछ ऐसा हो गया है। इस हलवे का कलर बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, ये थोड़ा व्हाइटिश टेक्सचर में ही बनता है। अगर आपने थोड़े से केसर के धागे ऐड किए तो थोड़ा केसर का कलर आ जाएगा। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर लिया है, फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। जैसा कि मैंने कहा, मैं घी को बैचेस में डालूंगी। तो जैसे जैसे ये भुनता जाएगा हलवा, वैसे थोड़ा थोड़ा हम इसमें घी ऐड करते जाएंगे। तो फिर हम थोड़ा सा घी इसमें ऐड कर लेंगे और फिर हम इसे भून लेंगे। तो पहले सूजी घी को एब्जॉर्ब करेगा और जब ये अच्छे से भून जाएगा तो ये घी रिलीज करने लगेगा। तो ये इंडिकेशन है कि हमारी रेसिपी एकदम परफेक्ट बन रही है। इस रेसिपी में हम हलवे को कैसे भूनते हैं यही मेन है, बस इसको जितना अच्छा भुनेंगे उतना ही अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। तो टोटल 15 मिनट हो चुका है हमें इस सूजी को भूनते हुए और देखिए इसका टेक्सचर कैसे ऐसा हो चुका है, दानेदार हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये अभी से। तो अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3/4 कप चीनी का यूज किया है, 1 कप सूजी में 3/4 कप चीनी का यूज किया है। यहाँ पे मैंने पिसी हुई चीनी का यूज किया है, आप भी पिसी हुई चीनी का ही यूज करें तो आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। अब आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ही कैसे इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा चीनी ऐड करने के बाद। एकदम से आपको लगेगा कि जैसे ये मूंग की दाल का हलवा है वैसा ही इसका टेक्सचर हो जाएगा। ये देखिए कैसे चीनी जब इसमें मेल्ट हो जाती है तो इसका टेक्सचर एकदम चेंज हो जाता है और ये घी रिलीज करने लगता है। बहुत ही ज्यादा ये टेस्टी लगता है हलवा। तो ये देखिए इसको भुनने में ही खासियत है जैसा कि मैंने कहा। तो अब मैं बीच में थोड़ी सी जगह बना दूंगी और इसमें बची हुई घी को हम डाल देंगे और अब इसमें हम कटे हुए ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। तो 4 से 5 काजू हैं, 4 से 5 बादाम हैं, 4 से 5 पिस्ते हैं।
अब इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसमें भून लेंगे घी में, ये सारे ड्राई फ्रूट्स को। तो घी इसमें भून भी जाता है, हमें अलग से इसको भूनने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, और ये नट्स इसमें भुन जाते हैं। तो ये देखिए, अब हम फिर इसे चला लेंगे। इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और इसका कलर बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, बस आपको टाइमिंग का ध्यान देना है। टोटल इसे बनने में आधा घंटा लग जाता है इस हलवे को, लो फ्लेम पे ही इसे भुनेंगे, यही इसकी पहचान है, और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। तो अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलेगा रेसिपी को। और ये देखिए अब ये कैसे घी रिलीज करने लगा है, क्योंकि ये एकदम अच्छे से भुन चुका है, तो अब ये घी भी रिलीज करने लगा है। ये इंडिकेशन है कि हमारा हलवा एकदम परफेक्ट बन रहा है। तो फ्लेम एकदम लो ही है, अब हम इसे लो फ्लेम पे केवल 2 मिनट के लिए ढक देंगे। लो फ्लेम पे इसे ढकें 2 मिनट के लिए, और फिर इसके बाद हम इसका ढक्कन हटा देंगे। तो ये देखिए ये कितना दानेदार दिख रहा है, एकदम खिला खिला हमारा हलवा बनके रेडी हुआ है। बहुत ही टेस्टी लगता है आपका ये हलवा, जब एक बार बन जाएगा ना तो आपके घर में बार बार इसी हलवे की डिमांड होगी, ये इतना टेस्टी लगता है। तो लास्ट में सर्व करने से पहले हम इसमें बची हुई घी भी ऐड कर लेंगे, इसे और अच्छा दिखता है। कुछ लोग इसमें काफी घी का यूज करते हैं, लेकिन मुझे आधे कप घी सफिशियंट लगती है इस रेसिपी में, 1 कप सूजी में आधी कप घी। अगर आपने इसकी भुनाई अच्छे से की है तो ये बहुत ही अच्छा बन के आता है। तो लास्ट में थोड़े से और ड्राई फ्रूट हम काट के इसको सर्व करेंगे, और अपना बहुत ही टेस्टी सूजी का दूध वाला हलवा बन के रेडी है।